For this session, again, we are going to continue with the graphic resources. And we are towards development of a very good graphic resource, which is a mind map or a concept map. We can develop both through these tools, which we are going to share with you. And for this session, we have with us Dr. Gulshan Mufeed. Ma'am, I hope you have joined. Yes, Dr. Monica. Thank you. I have joined. I welcome you, ma'am, for this session. And we have participants from 9 states, which is our eastern part of the country and the western. So language, bilingual or Hindi, both are okay. Okay. So over to you for this session, ma'am. Okay. Thank you, Dr. Monica, for having me. And I welcome all the participants from the 9 states. So as Dr. Monica has just told that... Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. So we are going to explore one more ICT tool that is known as VUE, V-U-E, which is an abbreviation. Ye ek abbreviation hai. VUE, aaj hum karenge. VUE ki full form hai, Visual Understanding Environment. Visual Understanding Environment ki help se... Ma'am, ye... प्रेरणा मिश्रा लिख रही है कि आपको आवाज नहीं आ रही, क्या बाकी सबको आवाज आ रही है? Yes, ma'am, आवाज आ रही है। ठीक है मैम, आवाज। ओके ओके। प्रेरणा जी, आप अपना डिवाइस या अपना कनेक्टिविटी एक बार चेक कर लें। क्लियरली आ रही है मैम। क्योंकि सभी को आवाज आ रही है, तो आप प्लीज एक बार चेक कर लें। तो स्टार्ट करें? यस मैम, यू कैन कंटिन्यू। सॉरी फॉर द नहीं नहीं इट्स ओके। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, आवाज नहीं आती है कुछ है, तो आप प्लीज बता दे, कोई भी पार्टिसिपेंट बता सकता है। सो हम बात कर रहे थे व्यू की, विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा आईसीटी टूल है जिसकी हेल्प से हम कॉन्सेप्ट मैप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे साथ आज जो आप सब लोग जुड़े हुए हैं, सभी के सब टीचर्स हैं, तो आप सबको पता होगा कि कॉन्सेप्ट मैप्स क्या है और कॉन्सेप्ट मैप्स क्यों बनाए जाते हैं। So, जब भी हम कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम इसमें लेते हैं जो हमें बच्चे को इजी स्टाइल में, इजी फॉर्म में बच्चे को एक्सप्लेन करना होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट कोई ऐसा भी होता है जो आप क्लास में बच्चे को समझाना चाह रहे हैं। आप प्राइमरी क्लासेस में भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ही इजी इजी वर्ड्स में जो कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा यूज जो उसमें होता है वो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप को यूज कर सकते हैं। स्पेशली आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेजेस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आप मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग एंड वॉट कॉन्सेप्ट यू आर टेकिंग टू टीच इन योर क्लास। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम प्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट करते हैं। सो गिव मी फ्यू मिनट्स प्लीज। I hope it is visible. हाँ बताओ बताओ। Yes ma'am, it's visible. डॉक्टर मोनिका दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन? जी जी। Yes ma'am. इसको मैं स्लाइड शो पे तो सचिन सर का हाथ मुझे ये दिख रहा है, विजुअल हैंड नजर आ रहा है। सचिन सर, अभी आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं मैडम, गलती से हुआ। ओके सर, थैंक यू। Thank you.
तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट मैप. क्या होते हैं कॉन्सेप्ट मैप्स? सो हम पीपीटी को रीड करने से पहले हम जानना चाहेंगे आपसे क्या कॉन्सेप्ट मैप्स क्या होते हैं, और आप इसका आंसर चैट बॉक्स पर प्लीज लिखिएगा. ऐसे बोलिएगा मत, वरना इको होने लग जाता है और क्लियरली किसी का भी आंसर हम नहीं ले पाते. सो एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, दैट कॉन्सेप्ट्स आर डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और जनरल नोशन अगर इन द माइंड, इन स्पीच और इन थॉट. इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि हम किसी और तरीके से कॉन्सेप्ट मैप को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? Yes, to understand the content better. एक आंसर आया है. Yes, of course. Yes, correct. We can explain the concept with the help of pictures also. We can add pictures also in our concept maps. Yes. The teacher can explain easily any concept. Yes, any idea. Yes, sir. Very correct from you. All the answers are right. So, कोई भी आइडिया एक और रानी सर, रानी मैम ने लिखा है. अरे आफिक ने हम गए थे अभी दुकान. विजुअली किसी भी आइडिया को अगर एक्सप्लेन करना है तो कॉन्सेप्ट मैप का हम यूज कर सकते हैं. हमको बोले आइए ठीक है यार चल बेटा. सर एक तो पूरा की जाए थे कि नहीं एकदम जाए थे कैसे बोला कोई कोई म्यूट पे नहीं है, किसी की आवाज आ रही है बीच में. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी. सो यस, वी कैन डिफाइन एनी आइडिया, एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे कि आपने बताया, या कोई भी कॉन्सेप्ट हम विजुअली बच्चों को अगर एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लिंक्स. वी कैन एड सम मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लिंक्स इन आर कॉन्सेप्ट मैप्स. तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे ब्रेवरी एक कॉन्सेप्ट है. इसको हम देखते हैं, बच्चों को हम ब्रेवरी की कहानियां सुना के जो है कोई भी कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ब्रेवरी के एग्जांपल्स दे सकते हैं. लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर सिखाना है कि क्या होता है ब्रेवरी, क्या होता है, या डांस फॉर्म्स कितनी तरह की हैं, तो उसको हम एक कॉन्सेप्ट मैप बना के एक ईजी वे में, एक आसान तरीके से जो है बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, जैसे हैप्पीनेस है, मनी है, टाइम है, या वैल्यूज है. तो इन सब को जो है, इस तरह की जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप सिखाना चाहते हैं बच्चे को, तो यू कैन यूज कॉन्सेप्ट मैप्स. कॉन्सेप्ट मैप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले एक हमारे पास मेन आइडिया होना चाहिए, एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, जिसको कि आप बाइफरकेट करेंगे, जिसको आप जो है शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोड्स एंड विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग लाइंस. तो सबसे पहले एक एग्जांपल में हमने यहाँ पे दे रखा है, जैसे क्लाइमेटिक चेंज का हमने दिया हुआ है. क्लाइमेटिक चेंज को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें हमें दो चीजें बच्चे को हम बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या एविडेंस है क्लाइमेट चेंज के, और क्या उसके सॉल्यूशन है, यानी कि क्या उसके रीजंस हो सकते हैं और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को जो है रोका जा सकता है. सो वन ऑफ द रीजन कुड बी मेल्टिंग ग्लेशियर्स, इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर, या वार्मिंग ऑफ ओशंस. और सेकंड जो सॉल्यूशंस आप दे रहे हैं बच्चे को, वो हो सकता है कि बच्चे जो है फर्दर रिसर्च करें कि कैसे इस क्लाइमेटिक चेंज को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, क्लाइमेटिक चेंज को जो है रोक सकते हैं. और जितने भी सॉल्यूशंस बच्चे के दिमाग में आते हैं, बच्चे से पूछ के हम अगर हम बोर्ड पे बना रहे हैं कॉन्सेप्ट मैप, तो वह बोर्ड पे जो है नोट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हैं मैंने, इसके अलावा भी और एग्जांपल्स हो सकते हैं. तो जैसे कि अभी हमने बताया कि कॉन्सेप्ट मैप को बनाने के लिए जो मेन चीज है, जो मेन कॉम्पोनेंट्स क्या चाहिए, एक हमें चाहिए कॉन्सेप्ट, the concept which you want to explain, and this concept can be represented in the form of circles or in the form of ovals or rectangular shape ka bhi ho sakta hai wo main concept jisko aap explain kar rahe hain. Fir us concept ko aap
डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट्स पे डिवाइड करेंगे और उन सब कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करेंगे मेन कॉन्सेप्ट से विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप जो होती है दीज आर द क्रॉस लिंक्स, इन क्रॉस लिंक्स भी कहते हैं और ये एरो लाइन से डिपेक्ट होती हैं. एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे एक हमने लगाया है जिसमें हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट मैप कैसे हम बनाएंगे वो बताने की कोशिश की गई है. तो देखिए सबसे पहले एक आप देखेंगे टॉप पर है सेंट्रल आइडिया जिसको आप फर्दर डिवाइड कर रहे हैं सब कॉन्सेप्ट्स में और यहाँ पे तीन डिविजन से आप देख रहे हैं, तीन एरो लाइन्स है, तीन लिंकिंग लाइन्स है जो सब कॉन्सेप्ट से जाके कनेक्ट हो रही है और फिर उन सब कॉन्सेप्ट को भी जो है रिलेटेड आइडियाज से कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग लाइन्स. तो इसी तरीके से हमारा भी कॉन्सेप्ट मैप बनेगा. टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट मैप्स, किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट मैप हो सकते हैं, किस शेप के अलावा हम किस तरीके से बना सकते हैं, क्या उसकी शेप क्या क्या हो सकती है. वो स्पाइडर मैप भी हो सकता है, वो फ्लो चार्ट भी हो सकता है, हायरार्की मैप हो सकता है, सिस्टम मैप हो सकता है. ये सारा आपको जो ऐप होगी या जिस भी आप उस पे सॉरी जो भी आप आईसीटी टूल यूज कर रहे हैं उसमें टाइप्स में ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी. किस कौन सा डिजाइन आप अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट मैप को दिखाने के लिए. So one of the main question which usually arises from the participants is what is the difference between mind maps and concept map. ये आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या concept map और mind map में क्या difference होता है. So concept map में क्या करते हैं हम, हमारा main concept होता है जिसको आप with the help of dividing that main concept by sub concepts you will explain the central idea. यानी कि आप एक मेन आइडिया को मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको सब कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको इजी स्टाइल में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं बाय इंटरकनेक्टिंग द मेन कॉन्सेप्ट विद द सब कॉन्सेप्ट. बट जो माइंड मैप है वो माइंड मैप हम ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं किसी भी आइडिया की तो हम जो है माइंड मैप्स क्रिएट करते हैं. उसमें कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो है डिफरेंट आइडिया से जो है कनेक्ट किया जाता है. सो जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट मैप में अलग अलग सब कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन एक माइंड मैप में जो एक ही कॉन्सेप्ट को ईजी वे में जो है डिवाइड करके एक्सप्लेन करते हैं बच्चे को. तो इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है एक कॉन्सेप्ट को लेके और कॉन्सेप्ट मैप पे जो है डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होते हैं. तो कुछ ऑनलाइन कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल्स हैं जो भी पिछले वाले सेशन में भी मैम ने आपको बताया था जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो है bubble.us, poplet, mindmap, creatly, Kaggle, lucidchart, mindmeister, mindomo, spiderscribe और इसके अलावा और भी ऑनलाइन कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल्स हैं और कुछ फ्री एंड ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल्स भी हैं जैसे कि फ्री माइंड है, एड ड्रॉ है, डॉसियर है, व्यू है जो आज हम करेंगे, फ्री प्लेन, कॉगल, एक्स माइंड, वाइज मैपिंग, माइंड 4-2, 3D टॉपिक स्पेस एटसेट्रा. तो कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज कहाँ और कैसे करते हैं. कॉन्सेप्ट मैपिंग देखिए जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हमारी क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स है, ये आप सबको पता है. कुछ एक्टिव लर्नर होते हैं और कुछ होते हैं साइलेंट लर्नर्स. तो जब हम कॉन्सेप्ट अगर कुछ बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं बोर्ड पे कॉन्सेप्ट मैप बना रहे हैं तो इससे ये भी हेल्प होती है कि जो हमारे साइलेंट लर्नर्स हैं या जो पैसिव लर्नर्स हैं उनको आप एक्टिव लर्नर्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं. वो कैसे कि आप उनसे उनको उनका इन्वॉल्वमेंट भी आप ले सकते हैं जब आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उनसे भी आंसर लीजिए. तो जब टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता है तो वो सिर्फ बोल रहा होता है तो हर बच्चा की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस चीज को समझ पाए क्लियरली
कि टीचर हमें क्या समझा रहा है। तो इस सिचुएशन में जो है हम ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को आप जो है ब्लैक बोर्ड पे कॉन्सेप्ट मैप बना के, कॉन्सेप्ट मैप ड्रॉ करके सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देन कंस्ट्रक्ट्स आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली एबल टू रिलेटेड बाय द लर्नर्स। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप उस कॉन्सेप्ट को बच्चे की जो बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। और बच्चे से जो इंफॉर्मेशन हमें आ रही है, बच्चे से जो नॉलेज हमको मिल रही है, उन सब को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सब आइडियाज, ताकि एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैप जो है हमारा बन सके। और ऑब्वियसली जब भी जब आप बच्चे का इन्वॉल्वमेंट आप उसमें करवा रहे हैं और ड्राइंग की शेप में आप व्यू को हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जब हम ड्रॉ करके किसी बच्चे को बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा जो है उसको आसान तरीके से जो है उस कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकेगा और एक बड़ी पिक्चर उस कॉन्सेप्ट की जो है बच्चे को दिखेगी जब भी आप कॉन्सेप्ट मैप जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो इस स्लाइड में मैंने अलग अलग माइंड मैप्स के नाम लिखे हैं और उनका कंपैरिजन लिखा है कि किस प्लेटफॉर्म पे वो यूज किए जा सकते हैं, क्या उनका यूज है, और अगर फाइल को आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो क्या एक्सटेंशन उसमें लगी होगी। इसको एक बार आप देख लें। ये सेकंड स्लाइड है। स्लाइड नहीं दिख रही मैम। अभी दिखी आपको सर? दिख रही है। स्लाइड पढ़ रही है मैम। स्लाइड दिख रही है मैम। दिख रही है ना? जी। इसमें अलग अलग माइंड मैप्स हैं और उनको हमने बताया कि वो किस प्लेटफॉर्म पे यूज होते हैं, यानी विंडोज पे कौन सा यूज हो सकता है, मैक पे कौन सा हो सकता है, एंड्रॉइड एटसेट्रा कौन से प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हैं, क्या उनका यूज है और उनकी एक्सटेंशंस क्या है उस पर्टिकुलर माइंड मैप के फाइल्स की। ठीक है। So, Visual Understanding Environment, it is an open source project developed by the Academic Technology Group at Tufts University. ये इसका introduction है, जो Visual Understanding Environment जिस ICT tool की हम बात कर रहे हैं, एक open source project है और इसको develop करा गया है Tufts University में Academic Technology Group के द्वारा। विजुअल अंडरस्टैंडिंग की एनवायरनमेंट की मदद से आप जो है माइंड मैप्स क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं और उसमें जितने भी आइटम्स आपने डाले हैं उन सबको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। अगेन विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट इज एन एप्लीकेशन फॉर कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट मैपिंग फॉर स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस, CEOs, मैनेजर्स एंड राइटर्स That provides a simple yet powerful tool. ये अभी हम लोग discuss कर चुके हैं। इसको कोई भी use कर सकता है, not only teachers but it could be used by academicians. Companies में भी इसको use किया जा सकता है, CEOs use कर सकते हैं, managers use कर सकते हैं, क्योंकि concept तो हर जगह है ना, कोई भी concept अगर explain करना है तो concept mapping tool का use किया जा सकता है किसी के भी द्वारा। जितना भी इसमें हमारा digital content है वो सारा नॉन लीनियर वे में जाएगा, जो आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। व्यू कैन बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डिजिटल कंटेंट इन नॉन लीनियर वे। नॉन लीनियर वे क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्ट मैप जब क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा जो है बहुत सारे सब किसी भी एक कॉन्सेप्ट के बहुत सब कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और उस सब कॉन्सेप्ट के भी सब सब कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, तो वो एक लीनियर वे में चल ही नहीं सकता है। ठीक है। इसलिए हमने इसको बोला लिखा है यहाँ पे कि इट इज इट कैन बी यूज एज इन अ नॉन लीनियर वे।
सो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू व्यू. इसको मैं यहाँ स्किप किया है मैंने स्लाइड. अभी हम डायरेक्टली फीचर्स पे आते हैं. ये हम थोड़ा सा स्किप इसलिए भी कर रहे हैं कि जल्दी से हम प्रैक्टिकल पार्ट को ज्यादा टाइम दे सके. इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं व्यू की, विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट की. इट अलाउज प्रेजेंटर्स टू क्रिएट एनोटेटेड ट्रेल्स थ्रू देयर मैप्स. एनोटेटेड ट्रेल का मतलब ये हुआ कि आपने एक सब कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो है डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट जो है उनका यूज किया है. तो जब उनका यूज किया है आपने तो ट्रेल जो है वो एक्सटेंड हो रही है, यानी माइंड मैप जो है आपका वो बढ़ रहा है, वो एक्सपैंड हो रहा है. ठीक है. और व्यू में स्लाइड व्यू का भी ऑप्शन है. ठीक है. स्लाइड मोड लेट्स द प्रेजेंटर टॉगल बिटवीन मैप्स. इसमें कई सारे मैप आप बना सकते हैं, यानी कि मैप्स के लिए वो लेयर्स बना सकते हैं. और फिर आप जब उनको एक साथ प्ले करेंगे तो वो सारी लेयर्स जो है एक साथ प्ले होंगी. View can be used by anyone interested in the visual structuring of digital content. ये भी हमने बताया है कि न केवल teachers, कोई भी किसी भी area में जो है किसी भी field के लोग जो है वो इस ICT tool का use कर सकते हैं for creating mind maps. इस screen में हमने बताया है कि visual understanding environment जो टूल है उसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो कैसे करेंगे. सिंपली आपको गूगल सर्च इंजन में लिखना है विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, और जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पे जब आपको क्लिक करना है और डाउनलोड का बटन प्रेस करना है. ठीक है. तो ये जो टूल है वो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. वो अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे. फिर इसमें बताया कि किस किस वर्जन में ये अवेलेबल है. विंडोज में है, मैक में है. ठीक है. तो जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जितने भी हमारे ग्रुप में से जितने भी पीपल यूज करते हैं वो विंडोज वाला सेलेक्ट करेंगे. जितने के पास मैक है वो मैक वाला क्लिक करेंगे. फिर क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आपको दिखेगी. इस विंडो में आपको जो फर्स्ट बटन है रन वाला वो क्लिक करना है तो एप्लीकेशन जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी. कुछ इस तरीके से. कभी आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी तो सिमिलर स्क्रीन ही दिखता है. फिर एप्लीकेशन कंप्लीटली डाउनलोड होने के बाद जो एम्प्टी मैप एरिया है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम अपना माइंड मैप क्रिएट करेंगे. ठीक है. तो अभी मैं एम्प्टी मैप वाला एरिया यानी व्यू का जो एप्लीकेशन है वो आपको खोल के दिखाती हूँ. तब तक आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. हेलो मैम. हेलो जी सर. जी मैं ये कहना चाह रहा था कि इस तरह के कॉन्सेप्ट मैप बनाने के लिए जरूरी है कि हम किसी ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करें क्या, जो ऑफलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में है ऑलरेडी, जैसे पीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं या वर्ड का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं. जी बना सकते हैं सर, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट मैप्स या माइंड मैप्स बनाने के लिए ही है. तो बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. वर्ड में उतनी आपको सुविधा नहीं मिलेगी माइंड मैप बनाने की. उसमें आपको सिर्फ वो मिलेगा जो ड्राइंग टूल बार होता है ना वर्ड में. जी वो आपको मिलेगा. फिर आपको वो एक एक बॉक्स उठाना पड़ेगा, शेप्स उठानी पड़ेगी. और इसमें जो है जो ICT टूल्स है कॉन्सेप्ट मैप बनाने के या माइंड मैप बनाने के, इसमें ऑलरेडी वो फीचर्स होती है कि आपका मैप जो है वो मैप की फॉर्म में ही आएगा. ओके उसी तरीके से दिखेगा. और फॉर्मेटिंग भी इसमें थोड़ा इजी होती है और एडिशनल फीचर्स भी होते हैं. और कोई क्वेश्चन?
एक प्रश्न मेरा था मैडम। हेलो जी सर बताइए। ये मैं अपना अटेंडेंस नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अटेंडेंस का तो सर मोनिका मैम बताएंगी। अच्छा अगर आपको इससे व्यू से रिलेटेड कुछ हो तो पूछिएगा। ठीक मैम, इसको डाउनलोड करने के लिए बताया जाए कैसे डाउनलोड हो पाएगा इस वाले लैपटॉप पे। ठीक है सर मैं फिर आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। आप गूगल सर्च इंजन जो है वो ओपन कर लीजिए सर। आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हेलो जी मैम कर सकते हैं। हाँ सर एक बार आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट सबको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते तो मैं अपनी साइड से कर लेती हूँ। नहीं कर सकते मैम, ओनली होस्ट कैन। अच्छा ठीक है sharing. ठीक है सर हम कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं? यस सर। गूगल क्रोम में आप सिंपल लिखिए विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। इसमें जो सबसे पहला लिंक है सर view.tufts.edu, ये देख पा रहे हैं आप? मेरा कर्सर यहाँ पर है, सभी लोग देख पा रहे हैं? Yes, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला लिंक है ये view.tufts.edu, इसको हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है सेम वही स्क्रीन आया जो अभी हमने आपको दिखाया था पीपीटी में। आप साथ के साथ करते चलिए सर प्लीज। आपके पास भी ये वाला स्क्रीन आ गया सेम? Yes, ma'am, yes. इसके बाद सर डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए। ठीक है डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे ऑप्शन आएगा विंडोज का और मैक का और नीचे आएगा लिनक्स का। ठीक है सर ये आ गया आप सबका? यस। तो जितने लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो विंडोज के नीचे जो ये डाउनलोड व्यू फॉर विंडोज लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। जिनके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक पे क्लिक करेंगे। मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं विंडोज पे मैंने क्लिक किया था और डाउनलोड कर लिया था। अगर आप लोग भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो विंडोज के नीचे जो डाउनलोड व्यू फॉर विंडोज लिखा है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे बिल्कुल नीचे बॉटम पे देखिए ये लिख के आ रहा है व्यू इंस्टॉलर। जितनी भी इसकी फाइल्स है वो zip फॉर्म में इंस्टॉल हो रही है। आप देख पा रहे हैं सर? yes. देखिए धीरे धीरे ये पूरा जो है सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी और इसके बाद वो डायलॉग बॉक्स आएगा जो अभी हमने दिखाया था जिसमें दो ऑप्शंस होंगे, एक होगा रन का और दूसरा होगा कैंसिल का। मैम ये मोबाइल पर यूज हो सकता है? मोबाइल के लिए दूसरी एप्लीकेशंस है व्यू। आप मोबाइल पे नहीं कर सकते।
मोबाइल पे आप व्यू नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट मैपिंग है, कॉन्सेप्ट मैपिंग एप्लीकेशंस अलग है, आप प्ले स्टोर में देख सकते हैं, माइंडोमो है माइंड मैपिंग एप्लीकेशन है वो जो मोबाइल पे चलती है, अदरवाइज आप एक बार प्ले स्टोर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी सर, जैसे ही लैपटॉप पे टाइप करते हैं ना तो वहां पे आता है विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट वीयूई जी, और उसके बाद डाउनलोड वीयूई डाउनलोड टफ यूनिवर्सिटी करके, तो वही करना है ना टफ यूनिवर्सिटी करके। जी जी, थैंक यू। tufts.edu मैम, इसमें तो जावा भी डाउनलोड करने बोल रहा है मैम, मैक ओएस पे। आपका मैक है? यस मैम। हाँ तो फिर सर उसका आप जावा वगैरह आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा विंडोज है तो विंडोज पे इजीली हो गया। अब आप देखेंगे पूरे जितनी भी zip फाइल है ये डाउनलोड हो गई है, इसको हम क्लिक करेंगे। मैम, आई एम नॉट गेटिंग द VUE थिंग, आई एम गेटिंग समथिंग एल्स ओनली। आर यू वर्किंग ऑन लैपटॉप और थ्रू मोबाइल? ऑन लैपटॉप विंडोज। I'm going every time I type on the browser VUE, something else only is coming. VUE, I don't know. Okay, if it is possible for you, can you share your screen? Actually, ma'am has asked to type complete na visual understanding environment. Let's first complete this process which I am showing to you. So when I clicked on that zip folder, जब वो डाउनलोड हो गया तो zip folder पे हमने क्लिक करा तो ये आपने देखा एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया, इसमें हमें क्लिक करना है view.installer, view हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जितनी भी इसकी फाइल्स हैं वो सारी डाउनलोड हो जाएंगी। ये एक बार ट्राई करके जल्दी से, अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद हम हैंड्स ऑन ही कर रहे हैं। टिल देन अभी जो मैम आप एक इशू बता रही है, आप अपना स्क्रीन प्लीज शेयर कर लीजिए। नाउ यू कैन सी व्हेन आई, या इट इज ओपन, प्लूटो बॉक्स है ना वो? पार्डन मैम, एक्स्क्यूज मी मैम, इट इज आस्किंग फॉर द प्लेस टू डाउनलोड आई थिंक। एक सेकंड मैम, मैम आप अपना स्क्रीन शेयर प्लीज कर लेंगी ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं ओपन है ना, पिक्टो ब्लॉक्स ओपन होता है वो डाउनलोड करने के बाद। मैम आई गॉट इट नाउ, नाउ क्लिक ऑन द रन बटन और फिर जितनी भी फाइल्स हैं सब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका जो वर्किंग एरिया है, जो एम्प्टी मैप वाला एरिया है व्यू का, वो ओपन हो जाएगा। नाउ हेलो मैम, जी सर, मैम कैन आई इंस्टॉल विंडो 11 विद दिस टाइप ऑफ application easily? You have Windows 11 in your laptop? Yes, ma'am. Yes, excuse me, ma'am. Okay, ma'am. Let me answer one question first, please. Okay, ma'am. I understand Windows 11 with this type of application view. Okay, sir. ठीक है, thank you. ठीक है, तो ये download. जैसा आपने बताया था एग्जैक्टली वैसा हो गया डाउनलोड, उसको अनजिप कर लिया है, इंस्टॉल हो रहा है। व्यू इंस्टॉलर डॉट एक्सी था, उसको रन किया। हाँ, जी सर, ओके, थैंक यू। बाकी किसी को इश्यू आ रहा है कोई, और किसी के पास इंस्टॉल नहीं है? हेलो मैम, इट्स ओके मैम। जी सर, मैम वो इंस्टॉल करके बाद करने के बाद रन किया, रन करने के बाद अभी यहाँ पे VOV installer dot exe और उसके बाद यहाँ पे yes और no करके आ रहे हैं, तो क्या करना है यहाँ पे? क्या message क्या आ रहा है sir? Message आ रहा है file origin download from the internet, उसके बाद show more details yes और no करके आ रहा है। तो इसमें yes एक बार करके देखिए sir, आप एक बार screen share कर लीजिए please। मैडम मेरे empty map आ गया। Very good. Good, good. वही खुलेगा जब पूरा completely download हो जाएगा properly, तो empty map खुलेगा। Okay, thank you ma'am.
यस पे क्लिक कीजिएगा जी मैम गरिमा मैम बताइए मैम वीयू इंस्टॉलर आ रहा है नीचे और ऊपर एमएससी को एसएक्स आ रहा है तो क्या इंस्टॉलर पे मुझे क्लिक करना होगा नीचे क्या बताया आपने क्या आ रहा है नीचे आ रहा है वीयूई इंस्टॉलर इंस्टॉलर और ऊपर आ रहा है एमएससी को एसएक्स व्यू 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 जी जी व्यू इंस्टॉलर पे करना है मैम उस पे आ रहा है दिस एप्लीकेशन में डिपेंड ऑन अदर कंप्रेस्ड फाइल्स इन दिस फोल्डर For the application to run properly, it is recommended that you first extract all files. So extract all करना होगा। हाँ हाँ extract all जी। Thank you ma'am. ठीक है सर तो अब start करते हैं हम। जितने लोगों के पास download नहीं है वो please download कर ले साथ के साथ। Yes ma'am हो चुका है। Yes, हो चुका है। थैंक यू आपको सबको दिख रहा है स्क्रीन विजिबल है हमारा एम्प्टी मैप एरिया दिख रहा है यस मैम यस यस ओके थैंक यू थैंक्स फॉर इंश्योरिंग देखिए ये एम्प्टी मैप एरिया जो है यहाँ पे हम अपना कॉन्सेप्ट मैप क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोड्स एंड द रिलेशनशिप लाइंस तो अभी आपने जो एक सवाल पूछा था कि हम जो ऑलरेडी हमारे पास एमएस ऑफिस में फीचर्स हैं पावर पॉइंट के और एमएस वर्ड के उनसे हम कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं या नहीं तो उनसे आप बना सकते हैं लेकिन आपको वो फीचर्स नहीं मिलेंगे जो कि माइंड मैपिंग या कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल्स में होते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे सबसे पहले हमारा ये मेन्यू बार है जहां पे लिखा है फाइल इसको क्लिक करेंगे तो नॉर्मली जो ऑप्शन होते हैं सब मेन्यू खुलता है वो है देन एडिट का है व्यू का है फॉर्मेट का है कंटेंट Pathways, Analysis, Windows, etc. इसके नीचे आप देखेंगे टूल बार दी गई है ठीक है सबसे पहला है एरो बटन विच इज अ सिलेक्शन टूल कॉन्सेप्ट मैप को अगर आप सिलेक्ट करना होगा या किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना होगा तो आप इस एरो बटन को क्लिक करके फिर सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद सेकेंड जो टूल है वो है नोड टूल इसकी हेल्प से आप नोड्स बना सकेंगे थर्ड टूल इज द लिंक टूल्स यानी कि जो लिंकिंग लाइंस होंगी जो रिलेशनशिप लाइंस होंगी वो आप लिंक टूल की हेल्प से बना सकेंगे उसके बाद आएगा आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल से क्या होगा कि इसमें नोड और जो रिलेशनशिप लाइंस है वो ऑटोमेटिकली बन के आएंगी फिर है टेक्स्ट टूल टेक्स्ट अगर कहीं टाइप करना है तो आपको टेक्स्ट टूल को क्लिक करना होगा और फिर टेक्स्ट आप टाइप कर पाएंगे अगेन नेक्स्ट वन इज द जूम टूल इससे आप अपने कॉन्सेप्ट मैप को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं और ये जो हैंड वाला आइकन है ये है मूव कैनवस टूल यानी कि पूरा जो मैप जब आपका बन जाएगा तो उस पूरे मैप को या पूरे जो उस कैनवस हम कहेंगे उसको आप मूव कर सकेंगे फिर है ये प्लेबैक स्लाइड्स इसकी हेल्प से जितने भी आपने मैप्स बनाए हैं जैसे कि अभी हमने आपको जब एक्सप्लेन कर रहे थे इसका थ्योरी पार्ट बताया था कि हम कई स्लाइड्स बना लेते हैं कई लेयर्स बना लेते हैं फिर जब प्ले करते हैं तो वो सारी लेयर्स जो है एक साथ वीडियो की तरह प्ले होती हैं ठीक है तो ये कुछ टूल्स हैं ड्राइंग टूल्स हैं जिनका भी हम यूज करते हैं तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट मैप बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे जो कि प्रॉब्लम हम आजकल सभी फेस कर रहे हैं पोल्यूशन की तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है नोड टूल और नोड टूल को सेलेक्ट करके मैंने एक स्क्वायर बॉक्स में नोड बना लिए ठीक है किसी का माइक ऑन है वो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को गलती से किसी का माइक अनम्यूटेड है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था इस नोट को हमने सिलेक्ट करके अंदर इसके हम टेक्स्ट लिख लेंगे एयर पोल्यूशन
फिर एक और नोड हम सब कॉन्सेप्ट इसके बनाने हैं, एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं, इसकी सोर्सेज हो सकती हैं इंडस्ट्रीज, हाँ नेचुरल सोर्सेज हो सकती हैं, इसकी कुछ मैनमेड हो सकती हैं, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज, मोस्टली तो पोल्यूशन हमारे ही कारण फैलता है, और जैसे कि सर ने भी बताया इंडस्ट्रीज या यूज ऑफ मशीन्स, ये हो सकता है। ठीक, अब इसको हमें कनेक्ट करना है। मैम नोड को अगर हटाना हो तो फिर कैसे हटा पाएंगे? अभी सर वन बाय वन सारा बताएंगे अभी आपको, ठीक है। हम लिख रहे हैं इसकी सोर्सेस, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम लिख देते हैं इसके क्या का क्या कारण है या क्या इसके सोर्सेस हैं। अब सर ने बोला कि नोड को हटाना है, तो नोड को हटाने से पहले हम अपनी नोड को जो है वो थोड़ा सा मूव करते हैं। आप देख रहे हैं मैंने पहले क्या किया, नोड पे बस क्लिक करा और ये सिलेक्ट हो गई, ठीक है। सिलेक्शन के बाद जो हमारे लैपटॉप पे ये चार एरोज होते हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो, तो इसमें मैं राइट एरो को प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी नोड को जो है राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो इन चार एरोज की हेल्प से जो है आप नोड्स को जो है या लिंकिंग लाइंस को जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है। हम इन तीनों सोर्सेस को जो हमने लिखा है इनको हमें एक अलाइनमेंट देना है, तो इन सबको मूव करके हमने राइट हैंड साइड में ले आए। अब हम लिंक करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को। मेन कॉन्सेप्ट हो गया हमारा एयर पोल्यूशन, इसकी क्या सोर्सेज हो सकती हैं, हमने एक्सक्यूज मी मैम हाउ टू मूव मैम वंस अगेन, वी हैव टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर नोड बाय क्लिकिंग ऑन इट, यस, और यू कैन क्लिक ऑन दिस सिलेक्शन टूल द एरो बटन आल्सो। First, you have to select the particular node. Then, with the help of the four arrows present in your keyboard, the four arrows. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, ये arrow जो air pollution sources के बीच में जो आप लाए हैं, वो कैसे आया है, ma'am? हाँ, मैं वही बता रही थी। बीच में एक सवाल आया था कि मैं move कैसे कर रही हूँ। तो मूव करने के लिए सर आई सिलेक्टेड द पर्टिकुलर नोड विच आई वांट टू मूव, देन विद द हेल्प ऑफ दीज फोर एरोस प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, द लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो, आई जस्ट मूव द सिलेक्टेड नोड विद द हेल्प ऑफ द राइट एरो। ओके, वी कैन इजीली ड्रैग आल्सो, यस यस, दैट आई विल शो यू आल्सो सर। सो नाउ आई कनेक्ट दैट द मेन कॉन्सेप्ट of air pollution with the sources with by the help of this linking line, and this linking line I created with the help of this third tool. ये आप तीसरा tool देख रहे हैं ना टूल बार में, link tool, इसको मैंने क्लिक करा यानी सिलेक्ट करा और मैंने एरो जो है ड्रॉ कर लिया। अब क्या सोर्सेज है, इन सोर्सेज को भी हमने ड्रॉ करना है, तो हमने फिर सोर्सेज पे रखा अपना कर्सर और ड्रैग करते हुए हम दूसरे सब कॉन्सेप्ट तक ले गए, ठीक है। तो ये एक एरो जो है वो ड्रॉ हो गया। अगला सोर्स है हमारा ह्यूमन एक्टिविटी, तो इसी तरीके से सिमिलरली हमने दूसरा एरो ड्रॉ कर लिया। अब आप बीच में देख रहे होंगे एक कनेक्टिंग वर्ड आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ये कनेक्टिंग वर्ड आ रहा है, तो अभी हमें किसी कनेक्टिंग वर्ड की जरूरत नहीं है, तो हम अपने कॉन्सेप्ट मैप पे कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये कनेक्टिंग वर्ड अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कनेक्टिंग वर्ड की जरूरत है तो फिर हम यहाँ लाइन पे क्लिक करेंगे और वहां पे वो कनेक्टिंग वर्ड ऐड कर देंगे, बट अभी हमें जरूरत नहीं है तो हमने इसको हटा दिया है। फिर तीसरी सोर्स क्या हो सकती है, यहाँ पे भी हम एक एरो क्रिएट कर लेंगे। तीसरी सोर्स है हमारी यूज ऑफ मशीन्स, ठीक, इतना क्लियर। अब इनके हम सब कॉन्सेप्ट और आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या कारण हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स में पॉल्यूशन के कारण हो सकते हैं फॉरेस्ट फायर्स,
Then again, I have to go to the node drawing tool and volcanic eruption. Yes. आप लोग जब अपना कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे तो अपने सब्जेक्ट बेस्ड टॉपिक पे बनाइएगा. सर ने बताया वोल्केनिक एरप्शन. ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या क्या हो सकता है? पावर प्लांट्स हो सकते हैं, फैक्ट्री, बर्निंग ऑफ गार्बेज. यस. यूज ऑफ एसीज एंड पेट्रोल फ्यूल्ड व्हीकल्स. सर का ले लेते हैं हम एक रिस्पांस. बर्निंग ऑफ गार्बेज, डिफॉरेस्टेशन. यस मैम ने क्या बताया? Use of fueled burning vehicles. Hmm. Excessive use of vehicles. फिर अब यहाँ पे हम अपने कंसेप्ट मैप को कनेक्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेस के लिए. हमने जो लिखा था सब कंसेप्ट्स उससे कनेक्ट करेंगे. फॉरेस्ट फायर्स, ये भी मैंने कुछ एक दो एग्जांपल भी ले सकते हैं. इसको आप और एक्सपेंड भी कर सकते हैं विद मोर एग्जांपल्स. ह्यूमन एक्टिविटीज में हो सकता है हमारा. यूज ऑफ मशीन्स में हमारा क्या हो सकता है? जैसे कि अभी एक रिस्पॉन्स आया था एक्सेसिव यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स, इसको हम यहाँ डालते हैं. यूज ऑफ एयर कंडीशनर. रेफ्रिजरेटर्स. फिर कनेक्टिंग लाइन की हेल्प से हम सब कॉन्सेप्ट कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. फिर बर्निंग ऑफ फायरवुड. के कारण क्या हो सकता है? जब लकड़ी जलती है तो उससे क्या होता है जो आजकल हम फेस कर रहे हैं? स्मॉग. ये कहीं अगर हमारा कोई नोड जो है थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है उसमें तो हम फिर सिलेक्ट करके मूव करेंगे और एरो से कनेक्ट कर देंगे. और स्मॉग के कारण क्या हो सकता है? स्मॉग के कारण हो सकता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है. सफोकेशन. ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स किस किस प्रकार की होती है? अस्थमा. यस अस्थमा. निमोनिया. कफ. टीबी. लंग इन्फेक्शन. हाँ ठीक है कॉल ले लेते हैं. लंग इन्फेक्शन मैम ये वैसे सारी लंग्स के कारण ही होती है जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है. फिर भी हम लिख लेते हैं. जी मैम आप कुछ पूछ रहे थे?
जी मैम, ये लिंकिंग टूल्स में जब उस पर क्लिक करके और अपने इस पे स्क्रीन पे लाती हूँ, वो एक प्लस का साइन, उसके बाद उसको क्लिक करती हूँ, पर वो ऐसा लंबा ड्रैग होता हुआ तो दिखता है, दिखता नहीं है स्क्रीन पे, दिख नहीं रहा है आपको। देखिए मुझे भी अब लिंकिंग टूल बनाना है, तो जहां से बनाना है ना वहां पे मैं अपना प्लस के साइन को लेकर आती हूँ। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये मर्ज हो गया प्लस का साइन, प्लस के साइन की जो वर्टिकल लाइन है वो बिल्कुल मर्ज हो गई है नोट से, देख रहे हैं आप। ऐसा करने के बाद फिर आप जब ड्रैग करेंगे तो आपका ये लिंकिंग टूल, लिंकिंग लाइन जो है बन जाएगी। फिर हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे और फिर ड्रैग करेंगे, अपना जिस नोट से आपको कनेक्ट करना है वहां पे लेकर आना है और मर्ज कर देना है साइन को, देख रहे हैं? मर्ज करने के बाद फिर ड्रैग करना है। मैं एक बार और फिर आपको करके दिखाती हूँ। देखिए मुझे यहाँ ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाली जो नोड है, यहाँ से एक लाइन को ड्रैग करना है, ठीक है? तो मैं प्लस के साइन को ले आई इस पर, और आप देखेंगे अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बिल्कुल मर्ज हो रही है नोड के साथ। फिर यहाँ से हम, अब तो मेरा नहीं हो रहा, अंदर से नहीं लेना पड़ता है, एक बार देख लीजिए ना। हाँ नहीं, बॉक्स के अंदर नहीं। हाँ मर्ज करके फिर आप ड्रैग करिएगा, ठीक, एक दो बार ट्राई करेंगे, हो जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप बनाया। अब सिलेक्टेड बबल से मैम, उनको अप डाउन करना है, वो नहीं हो रहा है मेरे से। अच्छा, इसको जैसे आप ये नोड को अप डाउन करना चाह रहे हैं ना? जी जी, जो प्रीवियसली है। हाँ, ये फर्स्ट वाला आप देखिए, और ये जो ड्राइंग टूल्स है, फर्स्ट टूल है हमारा सिलेक्शन टूल एरो वाला, इस पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है? यस मैम। फिर वापस नोड पर आके क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा जिस भी नोड को आपको करना है मूव, फिर आप मूव कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब आप देखिए, अभी ये मेरा कॉन्सेप्ट मैप बन गया है और लिंकिंग लाइंस भी हमने लगा दी है, ऐसे तो ये क्लियर है, लेकिन हमें और इसको क्लियर करना है। हमें ये दिखाना है कि कौन से सब कॉन्सेप्ट से बाकी के कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें मैं, ये हमारे सब कॉन्सेप्ट है ना, एयर पोल्यूशन के, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन एक्टिविटीज, यूज ऑफ मशीन्स, मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूंगी और फिर हम क्लिक करेंगे विंडोज ऑप्शन पे। विंडोज ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है फॉर्मेटिंग पैलेट का। फॉर्मेटिंग पैलेट पे क्लिक करते ही आपको ये पूरी फॉर्मेट की जो है पैलेट निकल के आ जाएगी, फॉर्मेटिंग के जितने ऑप्शन है वो सारे ओपन हो जाएंगे। अब आप इसकी हेल्प से आप अपने नोट का कलर चेंज कर लीजिए। मैं ले लेती हूँ। मैम ये टूल एक बार फिर से दिखलाएगा कैसे आया? जी मैं फिर से करती हूँ। ये जो मेरे सब कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सबको मैंने एक कलर दे दिया। फिर मेन कॉन्सेप्ट जो है मेरा एयर पॉल्यूशन, इसको मैंने सिलेक्ट करा और इसको मैंने बिल्कुल ही डिफरेंट कलर दे दिया। मैम ये कहां से आए एक बार फिर से प्लीज? विंडोज बताती हूं, ये विंडोज वाला मेन्यू है, मेन्यू बार में विंडोज का ऑप्शन है। ओके यस मैम, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग पैलेट, ठीक है सर, फॉर्मेटिंग पैलेट पे क्लिक करते ही ये पूरी पैलेट ओपन हो जाएगी फॉर्मेटिंग की, ठीक। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एयर पोल्यूशन है और इसके जो सोर्सेज हैं वो ये तीन है अलग, क्योंकि इन तीनों का सिमिलर कलर है। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज के कारण है, वो सॉरी नेचुरल सोर्सेज के जो वो है, नेचुरल सोर्सेज जो है उनको मैंने सिलेक्ट करा और उनको एक कलर दे दिया। ह्यूमन एक्टिविटीज के जो कारण है उनको मैंने सिलेक्ट करा और उनको एक दूसरा कलर दे दिया।
इसको भी हम पिंग कर देते हैं ताकि पता चलेगा कि हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है। अभी ये ज्यादा सही लग रहा है, इसको भी। अब सिमिलैरिटी दिख रही है। इसको मैंने जो यूज ऑफ मशीन्स है इसको सिलेक्ट करा और इसको एक डिफरेंट कलर दिया। ऑल द बेस्ट अभी थोड़ा ज्यादा विजुअली एनरिच दिख रहा है ना अभी। इसके बाद बर्निंग ऑफ फायरवुड का जो रिजल्ट था क्या होता है, इसे स्मॉग, इसको मैंने एक कलर दिया, एक डिफरेंट कलर दे दिया। और जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स फिर का अगर आप देखेंगे तो सबका एक ही जैसा कलर है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये क्लैरिटी मिल रही है कि मेरे कॉन्सेप्ट को कहाँ कहाँ हमने डिवाइड किया, मेन कॉन्सेप्ट को, और उन मेन कॉन्सेप्ट को हमने किस किस सब कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्दर, ठीक है। इसी तरीके से जो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं तो आप लाइन्स को भी, लाइन्स का भी कलर चेंज कर सकते हैं। आपने ये जो कनेक्टिंग लाइन्स है इनको सिलेक्ट करा और लाइन के जो ऑप्शंस है उनमें से ऑप्शंस कोई भी कलर ऑप्शन जो है वो आप चूज कर लीजिए। आप देखेंगे लाइन का भी कलर चेंज हो गया है। ठीक है, इसको वापस हम ब्लैक कर रहे हैं। और आप देख पाएंगे कि इस फॉर्मेटिंग टूल बार में जो है यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, या आप स्टाइल भी बदल सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाइड, जितने भी फॉर्मेटिंग के बेसिक ऑप्शंस होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। हेलो मैडम, सपोज एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं आपको बता देती हूँ। आप अगर अपने माइंड मैप में पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहते हैं या यूआरएल इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा फॉरेस्ट फायर को मैंने सिलेक्ट करा है, तो फॉरेस्ट फायर्स क्या होती है अगर आप बच्चे को ये बताना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इमेजेस, एड इमेज के ऑप्शन की हेल्प से, ठीक है। या अगर आप यूआरएल कोई किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप पूरा तो इसमें लिख नहीं सकते हैं, आप एक यहाँ पे नोट ऐड करना चाहते हैं तो वो एक लंबा सा नोट आप यहाँ पे नहीं ऐड कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, उसका जो यूआरएल है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको दिखा दिया, स्टार्टिंग से बताते हैं। हमने नोट को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करते ही आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फॉर्मेटिंग पैलेट भी यहाँ पे आ रहा है, ऐड नोट्स आ रहा है। अगर छोटा सा नोट कोई आप ऐड करना चाहते हैं तो नोट्स की हेल्प से कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, आप कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं, आप यूआरएल ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, या कोई फ्लिकर इमेज है वो ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है, इन सबका आप यूज करके देखेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूआरएल ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड यूआरएल पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे https यहाँ पे लिख के आ रहा है इस डायलॉग बॉक्स में, और यहाँ पे आप यूआरएल जहां से भी उठाई है आपने वो इधर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिएगा। ओके ओके को प्रेस करते ही यहाँ पे एक लिंक आपका विजिबल हो जाएगा। उस लिंक को क्लिक करते ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस इन्फॉर्मेशन पे जहाँ का यूआरएल आपने यहाँ ऐड करा है। मैम एक बार पुनः बताया जाए मैम कैसे यूआरएल ऐड किया जाए। देखिए जिस भी नोड पे आप यूआरएल डालना चाहते हैं, ठीक है, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करिएगा। सिलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि एक लंबा सा मेन्यू खुल के आ जाएगा, इसमें जो एड यूआरएल वाला ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक। क्लिक करते ही ये एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें HTTP जो है ये पहले से लिखा होगा, और इसके आगे जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहां मैंने डॉट डॉट बनाया, यहां पे आपको उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है,
ठीक है। पेस्ट करके ओके दबाएंगे तो आपको, मैंने कुछ नहीं लिखा इसलिए ये ऑप्शन ये मैसेज आ रहा है। जैसे ही आपका यूआरएल ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको वो एक डॉट की फॉर्म में आपको नजर आ जाएगा यूआरएल। यहाँ क्लिक करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस पेज पे जहाँ का यूआरएल आपने यहाँ डाला है। इसी तरीके से आप इमेजेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, thank you. सिलेक्शन के लिए आप पूरे मैप को भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आप लेकर आना चाहते हैं, अगर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, और एक एक नोट करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप हैंड्स ऑन कर लीजिए और बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो आप बताइए, और एक छोटा सा मैप जरूर बना के हमारे साथ शेयर करिए अपने सब्जेक्ट का। मैम कोई बबल डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? अगेन वही सिलेक्ट करेंगे आप और डिलीट बटन दबा दीजिएगा सर कीबोर्ड से। थैंक यू मैम। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है मैम, लाइंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कर्व? यस ऑफ कोर्स वी कैन कन्वर्ट देम इनटू कर्व आल्सो। मैम बॉक्सेस को, दो तीन बॉक्सेस को, ब्रांच को एक साथ कैसे सिलेक्ट कर सकते? अच्छा, उसको आप ये आप एक एक वाले एक नोट को सिलेक्ट करिए, उसके बाद जो कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन है, कंट्रोल बटन प्रेस करके बाकी के जो नोड्स हैं उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं क्या? जी, इमेज ऐड कर सकते हैं सर। जैसे कि मैंने बताया कि आप जहाँ भी इमेज आपको ऐड करनी है उस नोड को आप सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है इस मेन्यू बार में ऐड इमेज का, जहाँ मेरा कर्सर है आप देख पा रहे हैं सर? हाँ, ऐड इमेज करेंगे तो ये आपसे पूछेगा लोकेशन की इमेज कहाँ है। देखिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर आपका अगर डेस्कटॉप पे कोई इमेज है तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट करिए, इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ओके। ठीक है, और ओपन का बटन दबाएंगे तो इमेज वहां पे अटैच हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ओके थैंक यू मैम। फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाया जाए? वही ये जो आपका फॉर्मेटिंग पैलेट है इससे हमने बताया था कि फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फॉन्ट को जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, फॉन्ट साइज अभी बाय डिफॉल्ट ये 12 आ रहा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, 16 कर दीजिए। फॉन्ट का स्टाइल भी आप बदल सकते हैं, एरियल है तो आप अपनी पसंद का जो भी है वो आप ले सकते हैं। ठीक है मैम, अगर कुछ गलत लिखा गया है और उसको तो वही आप इसको सिलेक्ट करिए और डिलीट करना हो तो डिलीट कर दीजिए। मैम जी, किसी बॉक्स में जैसे पिक्चर हमने अपलोड कर लिया है, अब उसे डिलीट करना हो तो कैसे किया जाएगा? सर सेम प्रोसेस होगा, जहां ऐड हो गई है ना फिर आप रेड ये राइट क्लिक करिए और ऐड जहां पे लिखा ना वहीं पे एक और ऑप्शन आपको दिखेगा डिलीट इमेज का, क्योंकि मैंने अभी ऐड नहीं करी है इसलिए मुझे वो नहीं दिख रहा है। आपने ऐड कर ली होगी तो आपको वो दिखेगा वो ऑप्शन, राइट क्लिक करिए, डिलीट इमेज का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट या रिमूव करके कुछ होगा। रिमूव आ रहा है मैम। वो जो लाइंस है उसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर कर सकते हैं। अब आप वो मैं आपको बताती हूँ कि कर्व में कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल माइंड मैप बनाना स्टार्ट कर दीजिए अपने सब्जेक्ट का। ठीक है ठीक है मैम। और इसमें इस बीच कोई दिक्कत आती है तो आप पूछिए, बिल्कुल मैं यही हूँ सेशन में कनेक्टेड हूँ। मैम मोबाइल का भी बता दीजिएगा प्लीज। मोबाइल के प्ले स्टोर में आप देखिएगा मैम। हेलो मैम,
जी मैम ये बना लिया मैंने अपने सब्जेक्ट का, इसको मैं शेयर कैसे करूं? अब अभी तो हमें स्क्रीन शेयर की हेल्प से आप दिखा दीजिए, अदरवाइज असाइनमेंट सबमिशन का मैम लिंक देती है, वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप एक बना लीजिए और उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको हम ठीक कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो हमने माइंड मैप तैयार किया है इसे अगर व्हाट्सएप में शेयर करना हो तो कैसे करूंगा? इसके लिए बताते हैं, उसको आपको सर सेव करना पड़ेगा। हां हेलो मैडम। ओके हां, सेव करने के बाद हेलो मैडम वो आप, हां सर एक सेकंड, पहले मैं एक आंसर कर दूं। सेव करने के अलग अलग फॉर्मेट होंगे, मैं आपको बताती हूँ सर। ठीक है, आपका ही माइंड मैप बन गया है, अब इसको आप सेव कर लीजिए। इसको आप व्यू की एक्सटेंशन से सेव होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये हमारा व्यू का है माइंड मैप। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो गया है माइंड मैप। अब सेम माइंड मैप को मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर सकती हूँ। आप लैपटॉप में लैपटॉप में ही व्हाट्सएप खोलिए और लैपटॉप से ही जो है इसको अपलोड कर दीजिए व्हाट्सएप चैट में। जैसे मैं सेव किया था डेस्कटॉप में है ना, ये उसके वो ओपन नहीं हो पा रहा है मैम। क्या आपको क्या दिखा रहा है, क्या मैसेज दिखा रहा है सर? मैं स्क्रीन में सेव किया था। हेलो हेलो, आप डेस्कटॉप पे शेयर किया है, सेव किया आपने? कांट ओपन योर फाइल। यस मैम। सर अगर प्रॉपर्ली सेव हुआ होगा तो ओपन भी हो जाएगा, एक बार आप देखिए कि क्या दिक्कत है, दोबारा से आप उसको सेव कर लीजिए ओपन करके। ओके मैम। मैम थोड़ा बता सकती है यूआरएल कैसे यहाँ पे ये होता है? क्योंकि वहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो टाइप करता तो सडनली डिसअपीयर हो जाता है सब कुछ। डिसअपीयर हो जाता है? हाँ जी हाँ, एक ही मैम स्क्रीन शेयर। हाँ कर दीजिए प्लीज। आप पहले यूआरएल ले लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, सॉरी यूआरएल कॉपी कर लीजिए। यूआरएल किसकी ले रहे हैं सर आप? कहाँ से ले रहे हैं यूआरएल? वही तो कुछ नहीं मिले यार। नहीं तो सर वो यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा ना, आप पहले यूआरएल कॉपी कर लीजिए, जो आपका सोर्स होगा जहाँ से आप कंटेंट लेना चाहते हैं उसका यूआरएल कॉपी करके वो यहाँ पे पेस्ट करना होगा सर। ठीक है, आप आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी है सर या नोड सिलेक्ट कर रहे? मतलब जैसे मैं 3-4 बॉक्स का पूरा कलर सेम करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ सर, पहले आप एक बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल प्रेस करे करे दूसरे को सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल प्रेस किए किए तीसरे को सिलेक्ट कीजिए, जितने भी बॉक्सेस आपको सिलेक्ट करना है कंट्रोल को दबा के रखिएगा। ओनली टैप करना पड़ेगा उसमें? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कंट्रोल कीबोर्ड का कंट्रोल बटन को प्रेस करे रहिएगा और फिर आप जो है जी मैडम हिंदी में टाइप करना हो तो कैसे करेंगे? सर हिंदी में तो आपको इनपुट टूल की हेल्प से जो है वहां पे टाइप करके और फिर यहाँ पे पेस्ट करके देखेगा सर के होता है कि नहीं होता, गूगल इनपुट से। वो ट्राई कर रहा हूँ मैडम, नहीं ले रहा है मैडम। मैडम ये कलर कहाँ से आएगा? इंग्लिश में ही लिखा जा रहा है। आपने गूगल इनपुट टूल की हेल्प ली है? एक्सक्यूज मी मैम, विंडोज में जी मैडम, जी गूगल एडिट से ही मैं कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैम,
यस मैम हेलो मैम जी जो हम लोग जो डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे पासवर्ड चेंज करते हैं उससे भी हो जाएगा मैम क्या बोला आपने मैं डिस्टर्बेंस हम लोग डेस्कटॉप में जैसे हम लोग का बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहता है उसके बाद हम लोग अपना लैंग्वेज चूज करके रखते हैं ना कीबोर्ड वैसे रखने से उसको चेंज कर देने से भी वो लैंग्वेज चेंज हो रहा है अच्छा हाँ अगर वो आपने पहले से वो लैंग्वेज को जो है डाउनलोड किया है ठीक है हाँ सर आपका आंसर मिल गया क्वेश्चन का मोबाइल का प्ले स्टोर पर ऐप बता दीजिए मैडम मैडम मैंने इसमें छोटी जो हिंदी फोन भी यूज किया है लेकिन वो भी नहीं ले रहा है मैम आपने जो भी सोल्यूशन बताया कि हमारे लैपटॉप में जो लैंग्वेजेस होती है उसकी हेल्प से ज्यादा आप एक बार स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं क्या दूसरी बात मोबाइल भी नहीं है अच्छा एक सेकंड हिंदी या किसी और भाषा में उसमें यूज करना है आप एमएस वर्ड में या किसी और में फाइल में जा करके आप पहले उसको एक फॉन्ट को हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर ऑनलाइन भी कृति देव टू यूनिकोड का ऑप्शन होता है वहां से आप सारे जो भी आप यूनिकोड की हेल्प से कर सकते हैं जी जी कन्वर्ट करके आप एक जगह रखिए कॉपी पेस्ट करके यहां पे आप यूज कर सकते हैं वन बाय वन मैम प्लीज वन बाय वन अभी सर उसका आंसर कर रहे हैं ना जी मोबाइल पे ये व्यू का नहीं होगा मैम मोबाइल पे व्यू नहीं मिलेगा आपको ये लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा ऑन मोबाइल वी कैन यूज वन माइंड मैप ऐप देयर आर अदर एप्लीकेशंस व्हिच आर अवेलेबल इन प्ले स्टोर फॉर क्रिएटिंग माइंड मैप्स बट व्यू इज नॉट अवेलेबल देयर Excuse me, ma'am, मेरा ये mind map save तो हो गया desktop पे हाँ. जब मैं इसे open करने के लिए click करती हूँ तो ये मुझे बोलता है look for an app in the Microsoft store अब की बार मैं आपको सेव करें तो प्लीज PDF फॉर्म में करिएगा PDF फॉर्मेट में कर लीजिए देखिए बाय डिफॉल्ट इसकी एक्सटेंशन व्यू ही रहेगी लेकिन जो फॉर्मेट पूछता है ना नीचे वाले ऑप्शन में तो आप PDF सिलेक्ट करिएगा PDF में आप करेंगे तो आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं उसे एक्सक्यूज मी मैडम जी मैम मैडम जो फॉर्मेटिंग पैलेट में जो इमेज ऐड नहीं हो रहा है मैडम फॉर्मेटिंग पैलेट में क्या नहीं हो रहा एक्सक्यूज मी मैम जो इमेज ऐड करना है था मैम राइट क्लिक करके राइट क्लिक करिएगा ऐड इमेज के साइड मेरे में तो राइट क्लिक किया हूं राइट क्लिक करके आप देखेंगे एक मेन्यू बार खुल के आएगा मेन्यू बार में नीचे ऑप्शन होगा पहले यूआरएल होगा ऐड यूआरएल और ऐड इमेज नहीं मिला तो मैं आपको फिर अभी दिखा देती हूँ हेलो और आप लोग सब प्लीज हैंड रेज करके सवाल करें हमारे जो हाँ क्योंकि ऐसे जो है ना एक सवाल का जवाब पूरा नहीं हो पाता फिर दूसरा क्वेश्चन एक आ जाता है आप पहले प्लीज हैंड रेज कर लें फिर सवाल करें हैंड रेज कैसे करें हैंड रेज करते हैं अच्छा पूछिए सर आप कोई बात नहीं पूछिए हाँ मैम मैम मैं ये कह रहा था जैसे मैं पीडीएफ बना लेता हूँ पीडीएफ के फॉर्म में आ जाता है तो उसमें यूआरएल रहेगा तो उसमें लिंक मिल पाएगा क्या उसमें आपने पीडीएफ में सेव कर लिया सर यस मैम ठीक है खोल के देखिए आप और अभी प्लीज आप लोग जो सवाल कर रहे हैं ना वो स्क्रीन शेयर करके करिएगा जो दिक्कत आपको आ रही है वो स्क्रीन शेयर करके करिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आपका सवाल एग्जैक्टली है क्या
किसी का माइंड मैप अगर बन गया है तो शेयर करें, और अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज स्क्रीन शेयर करके पूछे। बन तो क्या है लेकिन शेयर नहीं हो पा रहा। लैपटॉप से आप मैम? डेस्कटॉप से। हाँ डेस्कटॉप पे है ना, तो आप देखिए मैम आपके स्क्रीन पे जो हमारा जूम मीटिंग चल रही है ना, इस पे शेयर स्क्रीन का एक ऑप्शन होगा जी, जहाँ से हम माइक ऑन करते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, उसी से आप आगे बढ़ेंगे उसी लाइन में। तो ये 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है ये शेयर स्क्रीन का जी, इस पे आप क्लिक करें मैम। इस पे क्लिक करके आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हेलो मैम, हेलो संगीता मैम, संगीता मैम का हैंड रेज है। ये संगीता मैम कुछ पूछना चाहते हैं? या हाउ टू ऐड अ कलर टू दैट टू नोड। अच्छा, फॉर एडिंग कलर मैम यू हैव टू क्लिक ऑन द विंडोज मेन्यू, एंड अंडर विंडोज मेन्यू यू विल गेट द फॉर्मेटिंग पैलेट। ये तो आपका देखिए हो रहा है ना ओपन। अभी एक सवाल आया था ना कि पीडीएफ में कैसे ओपन होगा, तो मैम आपका जो ये है, आपने जो कनेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करी है ना, उनको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिएगा ताकि वो बिल्कुल नोट से टच हो जाए। संगीता मैम आपका कोई क्वेश्चन है? संगीता मैम का क्वेश्चन नो क्या है? मित्तल शेटकर मैडम, आप कभी कोई सवाल था प्लीज पूछ लें। हाँ, मेरा डाउनलोड हो गया है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। मतलब आपका माइंड मैप ड्रॉ करके आपने सेव कर लिया? नहीं, ओपन ही नहीं हो रहा है वो मेरा। अच्छा, एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है? हाँ, एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, मैं टैब यूज कर रही हूँ। टैब में क्या विंडोज 11 होना चाहिए, डाउनलोड हुआ है मेरा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, इसमें वर्जन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो क्या मैसेज आ रहा है? मैसेज क्या आ रहा है? हाँ दिखा दीजिए मैम। ठीक है, ये किसका स्क्रीन अभी शेयर है? ये शेयर हो रहा है। हाँ, ये किसका शेयर है? संगी शिखा सिंह। यस मैम, इट्स माइन। जी मैम, आपको कुछ पूछना है? मैम ये सेव नहीं हो पा रहा मुझसे ये। मैम फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे करिएगा। सेव एज फाइल मेन्यू पे क्लिक करके सेव एज पे करिएगा, जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं वो नाम आपको डाल के। और वी कैन सेव फ्रॉम द कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से भी हो रहा है मैम। तो आप एक्सटेंशन देख लीजिएगा, व्यू की एक्सटेंशन होनी चाहिए इसकी, बाय डिफॉल्ट वही आएगी। और किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है वो फॉर्मेट सिलेक्ट करके फिर आप सेव कर लीजिए मैम। ओके। और संगीता मैम का नहीं हो रहा था ना डाउनलोड। मैम अगर आपका क्वेरी का आंसर मिल गया तो प्लीज अनशेयर कर लीजिए। थैंक यू। कैन आई शेयर? हु इज देयर? या मित्तल। ओके मैम, एंड व्हाट इज द इशू मैम? इट्स नॉट ओपनिंग। हाँ यस प्लीज शेयर। Someone is sharing. Yeah, I can't share. Okay, Sunil Kumar ji, Jharkhand से आप अपना unshare करिए please. जी. Mittal ma'am, आप कौन से state से हैं? मैं गोवा से। मैम आपना rename नहीं किया है तो पता नहीं चल रहा। नहीं किया है मैंने जी, ये अभी rename फिर से नहीं किया। ये है Mittal। हाँ, आप अपनी screen share करिए Mittal ma'am और उसके बाद rename भी कर लेना। We will take last this question and then we will be closing for this session as we are around the lunch time. Mittal ma'am, screen share करिए। मैडम may I share? सर पहले सर raise hand। सर पहले हम Mittal ma'am की query already ले रहे हैं, उसको ले लेने दीजिए। मैम आप share कर रहे हैं screen? हाँ share हुआ।
नहीं अभी नहीं हुआ, नहीं नहीं हो रहा है अभी, प्रॉब्लम आ रही है। बाकी लोग माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी मैम हो रहा है। ओके कैन सी नो कैन सी देख ऐप इंस्टॉलर ऐसे आ रहा है। इट इज अपीयरिंग मैम, अभी आ नहीं रहा है। ऐसा आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये कहां से आवाज आ रही है? बाकी का माइक बंद कर दें प्लीज टीम। दिखाई दे रहा है मैम? मैम बस व्हाइट स्क्रीन आ रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है इसके अलावा। मैम आप फुल स्क्रीन शेयर करिए, आप कोई एक विंडो मत शेयर करिए। या आप ये मैम इसका फोटो खींच के जो हमारा सर्जी ग्रुप एक बार इसमें भेजिए, हम देखते हैं क्या इशू। ओके ओके ओके। हाँ रुपेंद्र जी आपको बताइए, शेयर करिए अभी स्क्रीन। हाँ जी सर बताइए बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए सर। अब आप सर अनम्यूट कीजिए पहले। ये मैंने जो बनाया है वो बता रहा हूँ मैं मैडम। जी जी है ना। हाँ ठीक बनाया सही है सर आपने, लेकिन ये जो आपने न्यू नोड्स बने इनको भी आप हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दीजिए। इसमें मैं इमेज और यूआरएल डालने की कोशिश कर रहा था। हाँ तो वो मेरे सिस्टम में नहीं थी। अच्छा गूगल से भी इमेज को डाउनलोड करके इसमें डाल सकता हूँ ऑनलाइन? हाँ सर जो जी सर आपको जो इमेज ऐड करनी है, जो रेलेवेंट इमेज आपको ऐड करनी है वो पहले आपको सेव करना पड़ेगा। ओके, अपने पीसी में फिर उसके बाद जब आप राइट जी थैंक्स ठीक है। और यूआरएल जहाँ से आप कॉपी जो इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं उसकी यूआरएल कॉपी करनी पड़ेगी। कोई और क्वेश्चन किसी का? मैम वो जो आप इमेज डालने की बात कर रहे हैं ना वो पीएनजी में आएगा या उसका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ दिखाई देगा उधर? क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था वो स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं पीछे के। दिखाइए स्क्रीन शेयर ना। एक मिनट ये किसने शेयर किया है? अनुपमा जी आप प्लीज स्क्रीन शेयर हटाइए अपना। पहले पूछना है कुछ तो पूछ लीजिए, फिर सर को स्क्रीन शेयर करना है अपना। मैम आपने दो डिवाइस से किया है, आप बंद कीजिए इसको। हाँ आप बोलिए। ऑडियो एक ही डिवाइस से ज्वाइन करिए, जिन्होंने दो डिवाइस से ज्वाइन किया मीटिंग ऑडियो केवल एक डिवाइस से ज्वाइन करिए। इसका कलर मैम एरो का कलर कैसे चेंज होगा? पहले तो मैम एक डिवाइस से मोबाइल बंद कर लीजिए अपना। आवाज बहुत इसका मैम कैसे चेंज होगा? एरो का कलर चेंज नहीं हो पा रहा है। बताते हैं मैम आप एरो माइक ऑफ कीजिए। एरो सिलेक्ट करिए मैम, जिस भी एरो का कलर आपको बदलना है एरो को सिलेक्ट कर लीजिए बस। ठीक है सिलेक्ट करके आप ये जो आपका फॉर्मेटिंग पैलेट है ना इसमें एक है नोड का और दूसरा है लाइन का, नीचे जहाँ लाइन आप देख पा रहे हैं। नहीं ये नहीं मैम, ये हटा दीजिए। यहाँ बाहर क्लिक करिए, इस बॉक्स को बंद करिए बाहर। हाँ ठीक है ऊपर फॉर्मेटिंग पैलेट में आ जाइए मैम, टॉप लेफ्ट में जाइए, टॉप लेफ्ट में जाइए, नहीं ऊपर नहीं मैम, और हाँ हाँ ये लाइन जी जी इसे क्लिक करिए। ये तो शेप्स आ जाएंगी, सॉरी इसके पास देखिए इसके हाँ ये ब्लैक कलर दिख रहा है ना ये, इसको आप सिलेक्ट करिए। हाँ अब यहाँ से कोई भी कलर अपनी पसंद का ले लीजिए जी, आपकी लाइन रेड कलर की हो जाएगी। बस हटाइए सिलेक्शन हटा लीजिए, कहीं भी क्लिक करिए देखिए रेड कलर की हो गई। यस ठीक है। और ये जो इसको मैडम इसको शेयर करने के लिए मतलब कहीं भी इसको पेस्ट करने के लिए फिर कैसे आप सेव करना बताए थे?
फाइल पे क्लिक करेंगे मैम, ये पहले आपका जो फॉर्मेटिंग पैलेट है, यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट टॉप लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट क्रॉस बटन से बंद कर दीजिए, फाइल पे क्लिक करिए, सेव एज करके आप अपना जो आपका माइंड मैप है उसे सेव कर लीजिए किसी भी लोकेशन पे, और फिर जहाँ जिसके साथ आप मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कैसे शेयर करना चाहती हैं वैसे शेयर कर लीजिए। ये अब आपका डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगा मैम। फॉर्मेट व्यू का रखना चाहती हैं, ये फॉर्मेट नीचे जो ऑप्शन है इसे आप क्लिक करिए, जिस भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहती हैं वो फॉर्मेट आप ले लीजिए, जेपीजी पीएनजी या पीडीएफ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में सेव होगा। फॉर्मेट कौन सा भी रख सकते सर, कंपैटिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी और यूज देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ इसको रीयूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप करिएगा। हाँ जी सर बताइए। मैं स्क्रीन शेयर करने वाला था किसी और में करते। एक मिनट आ मैम, मैंने किया है शेयर। हाँ सर। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये बनाया देखो मैम। बताइए। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? नहीं सर अभी कुछ नहीं दिख रहा। हेलो मैम। मैम जी सर बताइए। हाँ वो अभी वो मैंने वो ट्रायंगल ऐड किया, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ वो ट्रायंगल ये उसके वो बॉक्स के बाहर कैसे लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि वो अंदर आ रहा है ना वो पूरा अच्छा नहीं दिख रहा। तो वो टाइटल ट्रायंगल सिर्फ ट्रायंगल और उसके बाहर छोटा सा एक ट्रायंगल ऐड करना था। ये आपको करना है सर्कल के अंदर करना है, इस सर्कल के बाहर करना है छोटा सा? नहीं ये बाहर आप कहीं इमेज आप पेस्ट नहीं कर पाएंगे, इमेज आप जो है नोड के साथ ही कनेक्ट कर पाएंगे सर। कोई भी इमेज आप किसी भी नोड के बाहर कंसेप्ट मैप में बाहर कहीं पेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको वो अगर ऐड करनी है तो नोड के साथ ही ऐड कर पाएंगे। ओके ऐसा है क्या? तो हाँ। और जब ये मैं प्ले करता हूँ तो ये पूरा माइंड मैप दिखाई देता है, तो मुझे हाँ। जब मैं पॉलीगॉन क्लिक करूंगा तो सिर्फ मुझे वो इक्विलैटरल और क्वाड्रिलैटरल, अब ट्रायंगल और क्वाड्रिलैटरल इतना ही दिखाना है, तो वो कैसे प्ले कर सकते हैं इसे? वो फिर सर आपको जैसे बताया हमने उसकी लेयर्स बनानी पड़ेंगी माइंड मैप्स की। अभी तो हमने आपको सिंपल माइंड मैप बनाना बताया है। okay. इसमें लेयर्स का भी ऑप्शन है, आप देखिएगा जो मेन्यू और मेन्यूज है ना उन्हें आप एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर आप दो लेयर भी बनाएंगे दे कंट्रोल 5 से लेयर्स आएंगी, तो लेयर्स जब आप बनाएंगे तब वो एक प्ले जब करेंगे तो दोनों लेयर एक साथ प्ले होंगी जैसे वीडियो में होता है। ओके इसकी लेयरिंग करनी पड़ेगी। जी आप एक बार एक छोटा सा इसका लेयर्स का एक डेमो दिखाएंगे? देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं सर एक लेयर आपकी क्रिएटेड है लेयर 1। अब न्यू लेयर बनाने के लिए प्लस पे क्लिक करिए, ऊपर देखिए प्लस। हाँ ओके ठीक है। अब न्यू लेयर पे करिए क्लिक करिए न्यू लेयर पे क्लिक किया। ठीक ऊपर ये ऑप्शन भी आ रहे हैं आप देख रहे हैं न्यू लेयर के सामने प्लस, आप देख रहे होंगे प्लस ऊपर इसको सर आप हाँ न्यू लेयर के बिल्कुल बाद में सर प्लस के आ रहे हैं और फिर लेयर के अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं ये वाले। हाँ एक बार इसको आप ट्राई करिए सर, जब आप लेयर पे करेंगे ना एक नया मैप जो है नई लेयर खुल के आ जाएगी बिल्कुल ब्लैंक, उसपे लेयर उसपे आपको माइंड मैप बनाना पड़ेगा। ओके एक बार आप ट्राई करिए सर इसको। ठीक है मैं हाँ, स्क्रीन बंद करने के बाद शेयर करता हूं। हाँ 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 थैंक यू मैम। प्लीज प्लीज टेल मी हाउ टू शेयर मैम प्लीज। मोनिका मैम कुछ कह रही हैं आप? नहीं नहीं आप बता दीजिए मैम। मैम मैं सतेंद्र मैम शेयर करना मुझे सिखा दीजिए। स्क्रीन शेयर करना सर आप लैपटॉप पे है पीसी पे? लैपटॉप पे मैम जी। तो सर ये जो जूम मीटिंग हमारी चल रही है इसमें आप देखेंगे नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं ना जहाँ माइक का और कैमरे का ऑप्शन आता है वहीं पे उसके तीन ऑप्शन के बाद शेयर स्क्रीन का एक
ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, ग्रीन कलर देख रहे हो, यस मैम, उस पे आप क्लिक कर दीजिए। कर दिया मैम। ठीक है, ओके मैम। अब प्रदीप जी ने शुरू कर दिया। नहीं, अब उनको करने दीजिए प्लीज, जो सवाल पूछ रहे हैं। प्रदीप सर आप प्लीज हटा लीजिए, आपका बाद में हम देख लेंगे, अभी वो ट्राई करना चाह रहे हैं सर, उनको करने दीजिए प्लीज। सर जी आप करिए आप स्क्रीन शेयर। वो अरे प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिए, सत्येंद्र सर को करने दीजिए, हम देखेंगे सबको। बहुत अच्छा बनाया मैम, सत्येंद्र सर जी करिए आप। यस मैम, अभी शेयर स्क्रीन पे क्लिक करिए सर। ओके मैम, कर दिया। अब व्यू ही नहीं आपको, अपनी साइड कुछ दिख रहा है, विंडो आ रही होगी कोई खुल के? बहुत सारे विंडोज हैं। हाँ, उसमें आपका मैप आ रहा होगा विंडो के अंदर, उस मैप पे क्लिक करिए और फिर नीचे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे शेयर का और उसका। हाँ ठीक है, शाबाश। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। मैं थोड़ा सा टेक ओवर करूंगी यहाँ पे जी। मैं मानती हूँ आप सभी के बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना भी जरूरी है जिससे कि आप आगे काम कर सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने गुलशन मैम हमारे ग्रुप में हैं, जो हमारा एसआरजी का ग्रुप है, आप अपनी क्वेरीज वहां पे डाल दीजिए और जो आपने मैप बनाए हैं उन्हें और अच्छा रिफाइन कर लीजिए। फिर जब हम गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर करेंगे उसके अंदर आप अपना मैप पीडीएफ या जेपेग फॉर्म में डाल सकते हैं। जेपेग मतलब इमेज, पीडीएफ मतलब पीडीएफ को तो हम सभी अच्छे से यूज करते हैं, जानते हैं। तो सभी यहाँ ना दिखाएं क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टाइम जाया हो रहा है आप ही लोगों का, क्योंकि ये लंच टाइम है। अगर आप चाहते हैं लंच टाइम में कंटिन्यू करना, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो मैं क्वेश्चन है। हाँ जी, जो यहाँ पर जैसे कोई इमेज या यूआरएल डालने के लिए राइट क्लिक करके करना है, हम सीधे इमेज को कॉपी करके यहाँ पेस्ट नहीं कर सकते? मैम ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है बहुत। तो फिर जैसा उन्होंने बताया वैसे करिए। पेस्ट नहीं कर सकते मैम, ऐड ही करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ता है मैम, उसका स्टेप होता है। किसी किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में ये फिजिबिलिटी होती है। तो आपके इस तरह के क्वेश्चन आप जब खुद करके देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। मोनिका मैम, मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे कैसे हम अपने स्क्रीन को शेयर करें, ये थोड़ा अगर करके दिखला देते तो बेहतर होता। वो करके दिखाना इसलिए फिजिबल नहीं है क्योंकि मैं जैसे ही शेयर करूंगी तो वो पार्ट हट जाएगा, ऑलरेडी शेयर्ड होगा। आप अपनी स्क्रीन पे कर्सर घुमाएंगे, ग्रीन कलर का नीचे बटन आता है शेयर स्क्रीन करके, उस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशन खुलेंगी। आप उनमें से जो एप्लीकेशन शेयर करना चाहते हैं उसे क्लिक करके शेयर बटन दबाएंगे और हो जाएगा। ओके मैम, इतना मुश्किल नहीं है। आप जैसे ही शेयर स्क्रीन पे प्रेस करेंगे यू विल गेट टू नो द प्रोसेस। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक डॉक्टर गुलशन फॉर टेकिंग दिस वेरी एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग सेशन which is very useful for not just one subject but all the subjects where we can use concept maps, and as she has